फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ क्या होने वाली हैं, बिजनेस की तरफ जा रहा है दुबई या इंडिया पाकिस्तान से आने वाले लोगों के लिए यहाँ की अपॉर्चुनिटीज हैं। ओह वाओ, तो ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है उन लोगों के लिए हु आर लुकिंग फॉर द फ्यूचर और वो चाहते हैं कि दुबई में आके इटसेल्फ बिजनेस में इन्वेस्ट करें और अपना ब्रांड यहाँ रहते हुए खुद डेवलप करें। हु इज काजी नजीब अशरफ? कौन बुला रहा था पाकिस्तान से? सऊदी अरेबिया ने जो है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, सऊदी अरब में ग्रे मार्केट का सामान नहीं जा सकता। अगर दुबई गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है कि मेड इन यूएई के जो इंडिया पाकिस्तान से मूव होना चाहते हैं दुबई और आके यहाँ पे मेड इन यूएई के ऊपर कोई फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन करना चाहते हैं, एक ज़माने में हम देखा करते थे जिस तरीके से माइक्रोमैक्स, लावा, इंटेक्स, क्यू मोबाइल दुबई में सेल हो रहा होता था, ग्रे हो रहा होता था, अब नज़र आता है कोई, लगता है आपको कि ये रिवाइव कर सकते हैं या ये स्टोरी ख़त्म हो चुकी है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। टेक ब्लेड के प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके सामने हाजिर खिदमत हैं सैयद अली यूसुफ और ये एपिसोड हमारी कॉफ़ी विद सीईओ सीरीज़ का एक और हिस्सा है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हमारे साथ जो सीईओ मौजूद हैं उन्होंने अपनी लाइफ का जर्नी दुबई से जब शुरू करा, जब दुबई को आप या हम शायद सही से जानते भी नहीं थे, यानी 1995 में ये दुबई आए और उसके बाद मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा रहे। तो हम लाइफ लॉन्ग जर्नी पूछते हैं काजी नजीब अशरफ साहब की कि सर अब तक क्या कर रहे हैं, हमारी यूथ के लिए क्या पैगाम है, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ क्या होने वाली हैं, बिजनेस की तरफ जा रहा है दुबई या इंडिया पाकिस्तान से आने वाले लोगों के लिए यहाँ की अपॉर्चुनिटीज़ हैं और अगर कोई हिडन सीक्रेट्स हैं ट्रेड के हवाले से तो आज हम जान सकें टेक ब्लेड के प्लेटफॉर्म के थ्रू। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टेक ब्लेड और हमारी वीडियो को लाइक करें। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह यूसुफ। इट वाज वेरी नाइस मीटिंग यू अगेन सर। इट्स गुड टू मीट यू आफ्टर लॉन्ग टाइम। इट इज सर। कैसे हैं सर? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। कैसा चल रहा है दुबई सर, क्या हालात हैं? जनवरी 2023 क्या कहता है यार? दुबई जो है, आई मीन यू नो इट्स अ वाइब्रेंट मार्केट, यू नो इट इज, दुबई नेवर स्लीप्स। तो इट इज लाइक वन थिंग गोस डाउन अदर थिंग कम्स अप, तो दुबई इज बैक ऑन इट्स फीट आफ्टर कोविड। तो बिल्कुल ठीक चल रहा है दुबई जो है। सही, क्या देखते हैं कोविड में कितने अफेक्ट हुए मार्केट लास्ट टू इयर्स में, कितना नीचे गया था और ऊपर आने में आ चुका है, ऊपर कवर हो चुका है दुबई या स्टिल इट्स ऑन द वे टू रिकवर? ये दुबई जो है बेसिकली इसके जो मैकेनिक्स हैं उसके हिसाब से ये डिफाइन करना है कि दुबई जो है ना किस चीज में ऊपर गया, किसी चीज में नीचे गया। तो एज फार एज प्रॉपर्टी इज कंसर्न तो मेरे ख्याल में इट्स अगेन टचिंग इट्स पीक रियली इस वक्त जो है। और वो वैसे ही बलून है या कोई रियल? आई डोंट थिंक कि वो बलून है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग जो ईस्टर्न यूरोप से, रशिया से, यूक्रेन से जो है ना, दे हैव एक्चुअली मूव्ड अप, सो एक्चुअल बायर्स आर कमिंग। ओके, वो बलून वाला इशू नहीं है। नहीं है कई इलाकों में, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन प्रॉपर्टी, मगर स्टिल क्योंकि यहां पे रहता हूं तो मुझे मालूम है। सही, प्रॉपर्टी इज बूमिंग, रेंट्स आर इंक्रीजिंग, इट्स गॉन बैक टू इट्स फीट। सही, जहां तक ट्रेड का ताल्लुक है, देर आर चैलेंजेस बिकॉज ऑफ द रीजनल मार्केट्स, मगर इट इज पिकिंग अप टू सम एक्सटेंट। ग्रेट, मगर मार्केट्स जो हैं वो अब जो है कंस्ट्रिक्ट हो रही हैं। सही सर, थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को ये बताएं कि हु इज काजी नजीब अशरफ, कहाँ से सफ़र शुरू हुआ, बचपन कहाँ का था, पाकिस्तान में कहाँ तक सर्व करा और यहाँ क्यों आए, सबसे पहला सवाल, और आने के बाद जो सोचा था वहाँ तक पहुँच सके या अभी सफ़र अभी मजीद जारी है? मेरा ताल्लुक लाहौर से है। ठीक है, मेरी स्कूलिंग जो है लाहौर में है, क्रेसन मॉडल स्कूल से पढ़ा था, फिर क्रेसन मॉडल स्कूल के कॉलेज से जो है एफएससी करके। सही, फिर मैं अमेरिका चला गया था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी वहाँ से। अच्छा, अमेरिका कभी समझ में नहीं आया तो डिग्री कलेक्ट करने से पहले जो है पाकिस्तान वापस आ गए। अच्छा, तो कंप्लीट नहीं करी डिग्री वहाँ पे? नहीं नहीं, डिग्री कंप्लीट करके। ठीक है, मगर अमेरिका में रहना है, स्टे नहीं किया। अच्छा, तो वो जो है डिग्री कंप्लीट कर ली मगर डिग्री कलेक्ट नहीं की, वो किसी को कह दिया भेज देना। सर ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब कोई 99% भी अगर इंडिया पाकिस्तान से पूछे अमेरिका जाके कोई वापस आना चाहेगा तो लोग कहते नहीं, तो ऐसा क्या था मतलब?
उसमें मसला कौन बुला रहा था पाकिस्तान से? बुला ये रहा था कि मेरे वालिद साहब जो है ना मुझे दो सेमेस्टर की फीस लेके भेजा था, ठीक है, और उसके बाद वहां पे मुझे स्कॉलरशिप मिल गई थी। ग्रेट। मगर स्कॉलरशिप के साथ जो है वो 20 घंटे पर वीक जो है उस पे काम भी करना था। बिल्कुल ठीक है, टू सर्वाइव। अब आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं और 20 आवर्स अ वीक काम कर रहे हैं, हाँ, तो पढ़ने, तो उसके बाद जो है ना आपको दुनिया में और कुछ नहीं पता। तो वो तो जब जो है जब 4.5 साल खत्म हुए तो मैंने कहा भागो यहाँ से। सही। तो वो उस चक्कर में जो है मैं फौरी तौर पर पाकिस्तान आ गया। ठीक है, और फिर सर पाकिस्तान आके क्या किया शुरू? पाकिस्तान आके जो है पाकिस्तान आने से पहले ही जो है मैंने वहाँ पे जॉब्स में अप्लाई किया था। ठीक है। तो मुझे फिलिप्स में जॉब मिल गई थी पाकिस्तान में, लाहौर। सही। तो फिलिप्स से मैंने जॉब की थी तकरीबन 2.5 साल के करीब। सही है। और जब लाहौर में फिलिप्स में जो है मैं वो ग्लास सीलिंग आ गई थी तो आई वाज आस्क्ड टू गो टू कराची। ठीक है। तो 1995 में कराची के जो हालात थे तो हम लाहौर वाले ये समझते थे कि आप जैसे ही कराची में एंटर होंगे आप उसको उठा के ले जाएंगे। ऐसे ही। तो उस वक्त मेरे पास ऑप्शन आई थी कि जो है ना दुबई में पैनासोनिक में जॉब मिली थी। ओके। तो मैं आया तो शायद कुछ साल के लिए था मगर अब 27 साल हो गए माशाल्लाह। तो मैंने तकरीबन 1.5-2 साल पैनासोनिक में काम किया था। पैनासोनिक दुबई में। सही। और फिर उसके बाद फिर मुझको जो है यहाँ पे सीमेंस मिडल ईस्ट में जॉब मिल गई थी। सही। मैं एक जो है सीनियर थे आसिम सुखेरा साहब। आसिम सुखेरा जो है वो ही वाज हायर्ड एज द रीजनल हेड फॉर सीमेंस मोबाइल फोन। जी जी। और उस पर टेक्निकल डिपार्टमेंट में आई वाज द फर्स्ट पर्सन। सीमेंस मोबाइल फोन जो है हमने शुरू किया है दो लोगों ने यहाँ पे शेख जायद रोड पे। वी वर रिस्पांसिबल फॉर गल्फ। इसमें आसिम भाई और आप थे साथ। हाँ ठीक है। तो आसिम हेड कर रहे थे। आसिम भाई तो कनाडा मेरे ख्याल से मूव हो गए। आसिम अब फ्लोरिडा में रहते हैं। अच्छा फ्लोरिडा चलेंगे। अच्छा ठीक है। इन अ कंप्लीटली न्यू बिजनेस। अच्छा। ऑफ कोर्स सो आसिम जो है एक्चुअली ही डेवलप्ड द बिजनेस। हम लोग साथ में वी वर पार्ट ऑफ हिज टीम। सही। वी स्टार्टेड विद GCC, फिर मिडल ईस्ट, फिर मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका और उस पूरे रीजन को फिर हम लोग जो है। आई स्टिल रिमेम्बर दैट सिमेंस सी सीरीज C21, C20 जिसमें ऑरेंज कलर की स्क्रीन हुआ करती थी सिमेंस की। तो आई मीन इट वाज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग टाइम जो है वो करने के लिए। और ये वो टाइम था कि जब मोबाइल फोन्स के अंदर देयर वर प्लेंटी ऑफ ब्रांड्स। बिल्कुल। तो उस वक्त जो है 10-12 ब्रांड होते थे। पहले एरिक्सन वॉज द लीडर, नोकिया, फिर नोकिया ऑफ कोर्स वर अ डोमिनेटिंग कंपनी एंड देन वी सॉ द होल चेंज इन द डायनामिक्स ऑफ मोबाइल फोन इंडस्ट्री। ऐसे ही। तो उसमें रहे थे हम लोग करने में। तो एंड में टुवर्ड द एंड आई वॉज हेडिंग बेनक्यू सीमेंस और मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका। और फिर उसके बाद जो है अनफॉर्चुनेटली दैट ब्रांड ऑल्सो लाइक मेनी अदर्स यू नो रैप्ड अप। फिर उसके बाद जो है आई मीन आई वर्क विद रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री में चला गया था। सही। मगर समहाउ मोबाइल फोन अगेन पुल्ड मी बैक। ये एक है सर आप मुझे बताइएगा, ये जो एक दफा मोबाइल फोन में काम कर ले जिस इंडस्ट्री से लिंक्ड हो जाए और अपने करियर के अगर शुरू में ही लिंक्ड हो जाए तो अगर 2-3 साल वो अगर कहीं और भी जाता है तो दोबारा अट्रैक्ट हो जाते हैं मोबाइल फोन की तरफ। वैसे ही ये सही है, ये एक मिथ है। ऐसी ये मिथ नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि टेक्नोलॉजी के अंदर जितनी फास्ट पेस्ड चेंजेस होती हैं मेरे ख्याल इनोवेशन जो है प्रोडक्ट में नहीं है। आईटी में है मगर यू नो इट्स नॉट इन योर हैंड्स। यस इट्स इन योर हैंड्स। यस। तो उसकी वजह से जो है ना मीन एक दफा आपको उसकी लत लग जाए इट्स वेरी हार्ड टू लीव इट। It. तो उसमें जो है मैंने आई मीन आई वर्क फॉर अ फ्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स। मैंने इराक में एप्पल स्टोर्स बनाए, एप्पल के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स बनाए अक्रॉस इराक एंड देन आई वर्क्ड आई मीन ऑन सेम प्रोजेक्ट्स अक्रॉस मिडल ईस्ट। सही। तो वो जो है ये मेरी जर्नी रही है। अब जो है पिछले कई साल से आई एम रनिंग अ कंसल्टिंग कंपनी प्लेटोरियम के नाम से और उसमें भी हमारा फोकस ये है कि जो है ब्रांड डिस्ट्रीब्यूशन प्राइमरली मोबाइल फोन्स एंड गेमिंग और उसके बाद जो है चैनल मैनेजमेंट इसके ऊपर हम काम करते हैं। उनको नए ब्रांड्स चाहिए होते हैं, नए चैनल्स डेवलप करने होते हैं तो उसके ऊपर हम काम करते हैं। तो जिस तरीके से टैगब्लेड ने आपसे वादा किया था कि वी विल प्रमोट एंड वी विल ट्राई टू प्रमोट योर बिजनेस योर ब्रांड एज वेल, तो एक मकसद अशरफ भाई से मिलने का ये भी था, राजीव भाई से मिलने का, कि वो ब्रांड जो कि चाह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में आके डिस्ट्रीब्यूट हो सकें या मिडिल ईस्ट से आगे निकल के फार ईस्ट या नॉर्दर्न अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जाके अपना ब्रांड बेच सकें तो वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं प्लेटोनियम सर्विसेज को। हम इस वीडियो के एंड में नजीब भाई की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कंपनी डिटेल्स आपसे शेयर कर देंगे। तो अगर कोई साउथ अफ्रीकन ब्रांड, इंडियन ब्रांड या पाकिस्तानी ब्रांड या इवन चाइनीज़ ब्रांड भी अपना डिस्ट्रीब्यूशन चाह रहे हैं इस नेटवर्क में, इस मार्केट में, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नजीब भाई से। सो ही विल हेल्प यू आउट एंड टुगेदर यू गाइज कैन क्रिएट अ विन विन सिचुएशन टुगेदर। और टैगब्लेड के तवस्सुत से, और टैगब्लेड को सिर्फ आपका एक लाइक और सब्सक्राइब भी चाहिए, टैगब्लेड को कोई कमीशन नहीं चाहिए बीच में। अच्छा मुझे ये बताइएगा नजीब भाई कि व्हाट टेक्नोलॉजी, मैं अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करता हूँ, एज यू आर इन दुबई फॉर द लास्ट 27 ईयर्स माशाल्लाह, तो मैं अभी डेरा सिटी सेंटर गया था 3-4 दिन पहले ना, तो मुझे एक रोबोट नज़र आया, उस रोबोट का नाम था टॉली, TALLY।
और वो इन्वेंट्री मैनेज कर रहा था, ठीक है, इट्स लाइक अ लॉन्ग सा एक रिपोर्ट था और वो ऑटो चल रहा था, वो लिखा था हेलो आई एम टॉली, आई एम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रिपोर्ट एंड माय सर्विस इज़ टू मैनेज द इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री काउंट कर रहा था। ये चीज़ें हमें अगर सिंगापुर पहले विजिट किया करते थे या आप करते हैं तो हम वहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते थे कि सिंगापुर में या यूके में नज़र आती हैं, क्योंकि अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडॉप्शन की बात करें तो नंबर वन पे सिंगापुर है, नंबर सेकंड पे यूके है, लेकिन सरप्राइजिंगली नंबर फिफ्थ के ऊपर अब दुबई आ रहा है। तो हम ये समझना हमारे लिए मुश्किल है कि दुबई की जहाँ 80-85% पॉपुलेशन जो है वो हम जैसे ही लोग हैं, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, फिलिपिनो, चाइनीज़, श्रीलंकन, तो हम ये कैसे यहाँ पे चीज़ों को प्रमोट भी करते हैं, एक्सेप्ट भी करते हैं, लेकिन अगर हम अपनी कंट्रीज़ में वापस जाते हैं तो हम शोर मचा देते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो हमें जॉबलेस कर देगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, वी मस्ट नॉट गो थ्रू टूवर्ड्स मशीन या AI टेक्नोलॉजी। ये क्या है सर? ये देखिए, टेक्नोलॉजी एडेप्टेशन जो है ना UAE की, इफ यू कंपेयर इट अक्रॉस मिडिल ईस्ट, आई थिंक दे आर नंबर वन, दे आर नंबर वन ऑन नंबर्स एज वेल, ऑन ऑफिशियल नंबर्स। ब्लॉकचेन को देखिए, इस वक्त जिस पर ब्लॉकचेन इंट्रोड्यूस हुई थी उस वक्त फौरी तौर पे दुबई गवर्नमेंट ने जो है अपनी तमाम तरह डॉक्यूमेंटेशन जो है वो ब्लॉकचेन के ऊपर डाल दी थी। उस वक्त ब्लॉकचेन को लोग समझने की कोशिश कर रहे थे, कोर्सेज हो रहे थे कि लोग समझें। एग्जैक्टली, उस वक्त इन्होंने अडैप्ट करके जो है उसको उस अडेप्ट कर ली थी। आप रोबोट्स की बात कर रहे हैं, नंबर वन रोबोटिक्स के अंदर यहाँ पूडो है, तो पूडो रोबोटिक्स वाले भी जो हैं वहाँ पे, यहाँ पे बहुत काम कर रहे हैं। तो यहाँ काफी अब यहाँ पे वेयर हाउसिंग ऐसी हो गई है जहाँ पे आपको ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं मिलेगी, सही, कंप्लीट आपकी जो है उसके अंदर जो है वो रोबोटिक्स कंट्रोल है। खासतौर पर जो छोटे वाले प्रोडक्ट्स हैं जैसे जो है विटामिन्स और ये सब, तो उसकी जो लोग जो है वो B2C उसके ऊपर करते हैं अपनी ऑनलाइन, तो उसके ऊपर छोटी पैकेजिंग के लिए अगर आप इफ यू हायर समवन इट्स वेरी एक्सपेंसिव, तो वो वेयरहाउस के अंदर एरिया हायर करके उस थर्ड पार्टी को करके उसे रोबोट से मैनेज करते हैं, तो उसकी पैकिंग, उसकी पैकेजिंग, उसकी शिपमेंट सब कुछ रोबोट्स करते हैं। ग्रेट। तो दुबई जो है, आई ऑलवेज कॉल दुबई एज अ शोकेस, इट इज okay, it is a showcase, it's the whole country is a shopping mall for the whole region. Anybody and everyone who wants to come here to see ke jo hai na, not only the introduction but also the implementation of technology, it is very well available here. So this is something hats off to this country ke jo hai what they've been able to do. Ab wo hum log, hamare log wahan ja ke kar kyun nahi paate, I think it ends in the leadership. To main uski ek choti si example deta hu, maybe it's not relevant yahan pe use ho, ki aapko Dubai mein kabhi ganda bathroom nahi milega, bilkul किसी मॉल में आप चले कभी भी नहीं, ठीक है, आई मीन आई डोंट से दुबई से निकल के आपको मिल जाएगा, मगर देयर इज अ माइंडसेट ऑफ दिस कंट्री, दे कॉल इट द दुबई वे, एंड इट कम्स फ्रॉम द टॉप टू द वेरी बॉटम। अब वो जब वो माइंडसेट, वो जो टॉप वाला जरा हट जाता है, तो आई थिंक वी गेट बैक टू आवर ओन माइंड, मगर दिस कंट्री हैज गॉट सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस इन प्लेस दैट मेक श्योर दैट एवरीवन जो है ना इज अबाइडिंग बाय द सिस्टम। ग्रेट। मुझे लास्ट, क्योंकि मैं आपसे पिछले तकरीबन 8-9 साल से कनेक्टेड हूँ, तो ट्रेड में आपने काफ़ी काम किया हुआ है, तो क्या एडवाइस करेंगे टेकब्लेड की ऑडियंस को, जो लोग हमें इंडिया से, पाकिस्तान से या अफ्रीकन कंट्री से देख रहे हैं, क्योंकि उनको दुबई ऐसा नज़र आता है कि दुबई इज़ लाइक अ ट्रेडिंग हब और यहाँ से बहुत सारे दरवाजे खुलते हैं, बहुत सारे इंडियन, पाकिस्तानी मोबाइल फ़ोन ब्रांड्स, लोकल ब्रांड्स जो वहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, या लोकल एक्सेसरीज ब्रांड या कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड जो इंडिया में या पाकिस्तान में प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ अभी करंटली 2023 या फ्यूचर में नज़र आ रही हैं आपको, कि अगर दुबई को एज अ ट्रेडिंग हब यूज़ किया जाए? क्या दुबई जो है उसका, यहाँ दुबई एयरपोर्ट फ्री जोन, सबने उसका नाम सुना हुआ है जी। एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम दुबई की GDP का 11% जो है ना वो डावजा के पास था। स्टिल इट इज क्वाइट कंसिडरेबल, पूरी दुनिया से यहाँ पे मोबाइल फोन आते हैं, तो अगर आप कीजिए इनवर्ड इसकी जो इनफ्लो है, तो प्रोडक्ट चाइना से आती हैं, हांगकांग, अमेरिका, यूरोप, कपल ऑफ कंट्रीज इन यूरोप, और अब इंडिया जो है, दे आर द मेन सप्लायर्स। आउटफ्लो ऑफ गुड्स जो है यहाँ से, वो पहले जो है यहाँ पे पूरे रीजन में सामान जाता था, सही है, मगर अब सऊदी अरेबिया ने जो है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, सऊदी अरब में ग्रे मार्केट का सामान नहीं जा सकता। ओके। अब सऊदी अरब से जो है सामान UAE आता है। ओके। एक उसकी वजह जो है VAT की भी है, वहाँ 15% VAT की इम्प्लीमेंटेशन है सऊदी अरेबिया में। और दुबई से सामान जो है, जो नेक्स्ट बड़ी मार्केट थी, जो सऊदी अरब की पॉपुलेशन तकरीबन 40 मिलियन है, इराक की 40 मिलियन है, और ईरान की पॉपुलेशन अब तकरीबन 80 मिलियन है। बिल्कुल। तो ये तीन मार्केट्स जो है यूज टू
constitute the major chunk of exports of Dubai. सही. तो सऊदी अरब माइनस हो गया, इराक माइनस हो गया. सही. क्योंकि इराक के अंदर अब प्रिंसिपल्स ने अपने ऑफिसेस खुद खोल लिए. सही है. और इराक के ट्रेडर्स दुबई आके बैठ गए. सही है. तो मेन फोकस जो है तो ईरान है और सर्टेन मार्केट्स इन अफ्रीका. ठीक हो गया. जहाँ तक ब्रांड्स का ताल्लुक है तो ऑफकोर्स जो डोमिनेट करती है यहाँ की ट्रेडिंग वो एप्पल, सैमसंग और शाओमी में है. मगर अब अंडर करंट्स के अंदर जो है ट्रांशन इज स्टार्टेड टू मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस. ओके. तो आपने जो सवाल पूछा है रिगार्डिंग इंडिया, तो इंडिया के तो जो है ना अब एप्पल भी आ रहा है, सैमसंग भी आ रहा है, शाओमी भी आ रहा है. तो दे आर लाइक ऑल सेट. ओके. एनी मैन्युफैक्चरर अगर वो पाकिस्तान में जो है ट्रांशन की बना रहे भी हैं सब है, तो देयर इज अ गुड अपॉर्चुनिटी यहाँ पे. मगर उसका आउटफ्लो जो है इट्स प्राइमरली गोइंग टुवर्ड्स अफ्रीका एंड आल्सो टू इराक एंड ईरान टू सम एक्सटेंट. तो अपॉर्चुनिटीज आर देयर डेफिनेटली जो है ना ट्रेड यहाँ पे करने के लिए. सही. इसको आगे करते हैं तो लोकल ब्रांड्स आप क्या कहेंगे मोबाइल फ़ोन का, उनका कोई फ्यूचर है या ख़त्म हो गया? एक ज़माने में हम देखा करते थे जिस तरीके से माइक्रोमैक्स, लावा, इंटेक्स, क्यू मोबाइल दुबई में सेल हो रहा होता था, ग्रे हो रहा होता था. अब नज़र आता है कोई, लगता है आपको कि ये रिवाइव कर सकते हैं या ये स्टोरी ख़त्म हो चुकी है? देखिए यूसुफ, मिडल ईस्ट के अंदर तो जो है ना इनका कोई चांस नहीं है, क्योंकि मिडल ईस्ट जो है प्राइस सेंसिटिव जो है ना, हाई एएसपी मार्केट. बिल्कुल ऐसे ही. अगर आप उसको जीसीसी को पूरे को ले लीजिए इंक्लूडिंग लेवांट, यू टॉकिंग अबाउट जॉर्डन, जॉर्डन जो है आपका सीरिया, लेबनान टू सम एक्सटेंट इजिप्ट भी, वहाँ पे तो जो है ना इन ब्रांड्स का कोई चांस नहीं है. ठीक है. इनकी अभी तक इन्फिल्ट्रेशन जो है यहाँ दुबई के अंदर नासिर स्क्वायर में एक चाइनीज मार्केट है जहाँ पे चार सिम वाले फीचर फोन भी हैं, चार सिम वाले स्मार्टफोन्स भी हैं, और वो जो है बाय कंटेनर लोड अफ्रीका जाते हैं. ओके. क्योंकि अफ्रीका के अंदर जो है सिम चर्न बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा. तो लोग जो है वही कोशिश करते हैं कि एक फोन में तीन तीन क्वाड सिम और ट्राई सिम फोन्स बहुत ज्यादा. तो यहाँ पे और यहाँ पे ब्रांड बनाना जो है ना, मीन इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. इट इज. जहाँ तक आप देखें नया ब्रांड जो है जीरो फोन, उसकी यहाँ दुबई में मार्केटिंग भी हो रही है. जी हाँ, बहुत बड़ा मैंने देखा था शेख जायद रोड के ऊपर, उनकी वो स्क्रीन भी लगी हुई थी काफी बड़ी. तो वो एक नीश प्रोडक्ट है जिस तरह जो उनका पेरेंट ब्रांड है. जी हाँ, आपको पता है. तो उनके तरह जो है ना वो नीश ब्रांड है. मगर कोई नया ब्रांड डेवलप करना इस रीजन के अंदर, आई वुड नेवर एडवाइज एनीवन टू डू इट. ये एक बहुत अच्छी एडवाइस और सजेशन है नजीब भाई की तरफ से उन लोगों के लिए कि जो अगर सोच रहे हो कि दुबई में आके अपना नया ब्रांड लॉन्च की जाए, तो इट इज़ नॉट दैट ईजी. बट वो ब्रांड जो कि पाकिस्तान में काम कर रहे हैं या इंडिया में काम कर रहे हैं और उनको अफ्रीका मार्केट तक पहुंचना है, तो वो बरास्ता दुबई होके तो जा सकते हैं. एम आई राइट? हाँ, दैट्स ट्रू. मगर अफ्रीका में भी जो है ना ट्रांशन के अगेंस्ट सर्टन मार्केट्स में जैसे नाइजीरिया में किसी की एंट्री मुमकिन नहीं है. नाइजीरिया जो है द बिगेस्ट मार्केट, मगर ट्रांशन जो है मेक श्योर के एवरी न्यू ब्रांड फेल्स. तो इसी तरह ट्रांशन के तीन चार मार्केट्स हैं जिन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग किए हैं, मगर सेंट्रल अफ्रीका के अंदर, कॉन्गो और वेस्टर्न अफ्रीका के अंदर जो है देयर आर स्टिल अपॉर्चुनिटीज. नजीब भाई ये बताएं कि आने वाले साल यानी 2023 अभी शुरू हुआ है, तो व्हाट डू यू थिंक कि जो फाइनेंशियल सिचुएशन अभी चल रही है ग्लोबली, जो इन्फ्लेशन है, इसको किस नज़रिए से आप देखते हैं कि कितनी बेहतर हो पाएगी या कितना टाइम लगने वाला है? मेरे ख्याल में जो है ना ये अगले साल जो है, ये साल जो है स्टिल वेरी वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि अभी तक जो है आपको यूक्रेन और रशिया की सिचुएशन जो है क्लियर नहीं हुई है. बिल्कुल. वो जब तक क्लियर नहीं होती है मेरे ख्याल में वो फिलहाल नियर फ्यूचर में क्लियर होने वाली ही नहीं है. आई थिंक इन्फ्लेशन जो है ना इज गोइंग टू हैव अ वेरी वेरी लार्ज इफेक्ट ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर जो है. सही. इट स्टिल बी अ चैलेंज. सर, दुबई कुछ एक्सपोर्ट जो करता है, लेट सपोज दे आर इनटू एक्सपोर्ट्स ऑफ ऑयल, दे आर इनटू एक्सपोर्ट्स ऑफ सम सॉर्ट ऑफ केमिकल्स, लुब्रिकेंट्स, व्हाट डू यू थिंक कि दुबई का फ्यूचर टेक्नोलॉजी जो अडेप्टेशन है वो इतना ज़्यादा है, तो व्हाई नॉट दुबई इनटू मेड इन यूएई फॉर द कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल फ़ोन और समथिंग लाइक दिस? देखो, सबसे पहले जो है ना ये जो एक्सपोर्ट है यहाँ की ऑयल की वो अबू धाबी के पास है. बिल्कुल. दुबई डजंट रियली हैव. बिल्कुल. मगर यूएई ने जो है ना ये मेड इन द यूएई जो है एक इनिशिएटिव शुरू किया है यहाँ, और उसके अंदर जो है गवर्नमेंट ऑफ यूएई जो है दे आर गिविंग वेरी वेरी गुड यू नो ब्रेक्स टू ऑर्गेनाइजेशंस हु आर कमिंग हियर एंड सेटिंग अप देयर फैसिलिटीज. तो अगर कोई भी आगे करता है और उसकी एक स्पेशल स्टैंप लगती है प्रोडक्ट के ऊपर मेड इन द यूएई के, तो वो अगर एडाप्टेशन कर लेते हैं तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी किसी भी कंपनी के लिए. और फिर उसकी वजह से जीसीसी वाइड जो है ना प्रोडक्ट की अडेप्टेशन बहुत आसान हो जाएगी. और इसमें मोबाइल फोन एक्सेसरीज सब शामिल हैं, सबको अपॉर्चुनिटी दी है. वो तो उनके उन्होंने जगह बनाई हुई है. आप आइए, आप उनको प्रपोजल दें,
उसके बाद जो है ना वो कर लें, और अगर जो है इफ इट इज रियली हेल्पिंग द बिजनेस प्लान इज स्ट्रॉन्ग इनफ द इवन हैव ऑर्गेनाइजेशंस हु आर विलिंग टू सपोर्ट फाइनेंशियली टू कम एंड गिव द। तो ये एक ब्रेकिंग न्यूज है उन लोगों के लिए हु आर लुकिंग फॉर द फ्यूचर और वो चाहते हैं कि दुबई में आके इट्सेल्फ बिजनेस में इन्वेस्ट करें और अपना ब्रांड यहाँ रहते हुए खुद डेवलप करें इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। इसमें एसकेडी सीकेडी दोनों शामिल हैं, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। मगर मैंने मोबाइल फोन का जिक्र किया, दैट वुड बी अ चैलेंज उसकी लोकल अडैप्टेबिलिटी की, मगर ऑलरेडी बाकी प्रोडक्ट्स के अंदर मशीनरी, हैवी मशीनरी, लाइट मशीनरी, हर चीज की मैन्युफैक्चरिंग यहाँ शुरू हो गई है। सही, इवन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की मशीन यहाँ पे शुरू हो गई है, उसके ऊपर मेड इन यूएई का स्टैंप लग के आता है। ग्रेट, यानी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन टर्म्स ऑफ एलईडी, एलसीडी, स्पीकर्स, गैजेट्स, होम अप्लायंसेस। सो दैट इज समथिंग इंटरेस्टिंग के अगर दुबई गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है कि मेड इन यूएई, तो हमें पता है कि दुबई गवर्नमेंट अगर 2009 में फैसला करती है एक्सपो 2020 का, तो वो करा के ही छोड़ते हैं, भले वो 2022 में ही कराएं। लेकिन इफ दे हैव इनिशिएटेड समथिंग, तो ये दुबई गवर्नमेंट ने जो अपना ट्रस्ट शो कराया पिछले 25 सालों में पूरी दुनिया को, इनफैक्ट सिर्फ लोगों को नहीं, कि जो वो ठानते हैं वो करके ही छोड़ते हैं, तो अगर उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि मेड इन यूएई एक अच्छा प्रोग्राम बन सकता है स्पेशली फॉर द कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स। अब उसमें मोबाइल फ़ोन कितना सक्सेसफुल रहता है नहीं, ये आगे आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव एंड इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर दोज पीपल कि जो इंडिया पाकिस्तान से मूव होना चाहते हैं दुबई और आके यहाँ पे मेड इन यूएई के ऊपर कोई फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन करना चाहते हैं। और ऐसे लोग भी हैं, ऐसी पॉलिसीज़ भी हैं जैसे नजीब भाई ने बताई कि यहाँ पे बाकायदा गवर्नमेंट जो है उनके लिए इन्वेस्टर्स भी फ्राहम करेगी। सो दैट इज़ समथिंग रियली ग्रेट। एब्सोल्युटली। सो इन द एंड नजीब भाई, थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ ऑन द शो ऑफ टेक ब्लेड। क्या कहना चाहेंगे टेक ब्लेड के हवाले से, आपको हमारा ये प्लेटफॉर्म कैसा लगा? आपको वेबसाइट भी भेजी थी हमने अपनी, तो यू हैव बीन गोन थ्रू, तो आपको कैसा लगा प्लेटफॉर्म जो है? आई मीन इट्स अमेजिंग, इट्स ग्रेट जो आपने बताया था, खासतौर पर यूथ को जो अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं आप उसमें करने में, तो उसमें जितनी ज़्यादा यूथ की इन्वॉल्वमेंट होगी उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा। अब जिस तरह चैट जीपीटी और ये नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं जी, तो उसमें जितनी अवेयरनेस होगी, क्योंकि बहुत सारा काम अब चैट जीपीटी के थ्रू आ गया है कि जो है ना कि वो अब सब कुछ कंप्यूटर कर देगा। बिल्कुल ऐसे, तो जितनी अवेयरनेस हो कि हमारे जो यूथ हैं दे आर एक्चुअली not only our data scientists but also programmers at the same time, because you have to beat the computer at its own game. Bilkul aise, so ye aapke jo aap kaam kar rahe hain uske hisab se I'm sure they'll keep getting the awareness jo hai na, they have to stay. Thank you sir, you know, one week at a time. Thank you so very much. You're welcome. तो एक दफा फिर शुक्रिया अदा करते हैं नजीब भाई का सर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ द शो ऑफ द टेक ब्रेड। और अगर आप भी टेक ब्रेड टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं contact@techbladeglobal.com या ceo@techbladeglobal.com के ऊपर। और हमारे पास पूरी टीम है कि जो हमारा कंटेंट, सोशल मीडिया हैंडल और हमारी वेबसाइट और हमारी प्रोग्राम्स की रिकॉर्डिंग और प्रोडक्शन करती है। तो हम देखेंगे कि आप कहाँ पे आपका इंटरेस्ट है, क्या आप हमारे साथ प्रोडक्शन शॉट्स में काम कर सकते हैं, या आपको शौक है फेम में आने का, आपको चाहिए आपका फेस आपकी वैल्यू बढ़ाए आपकी यूनिवर्सिटी में, बजाय इसके कि आपको ही चलते फिरते हुए ऐसे ट्रेंड्स फॉलो करें जिनसे आपको कोई प्रोडक्टिविटी ना मिले, तो बी द पार्ट ऑफ द टेक ब्लेड टीम और हम आपसे ऐसे कंटेंट कराएंगे कि जिससे आपकी अपनी मेंटल ग्रोथ और आपकी पर्सनालिटी ग्रोथ भी होगी। अब तक के लिए इतना ही, दिस इज सैयद अली यूसुफ साइनिंग ऑफ फ्रॉम दुबई फ्रॉम द चैनल टेक ब्लेड। अस्सलाम वालेकुम और खुदा हाफिज़।